जड़ा दे हुक्मां दे अंडर रहेगा वही बचाया जाएगा, दूसरे नहीं बचाए जाने। हालेलुया। इधर रिलेटेड एक वचन खुदा दा मैं तुहानू देना चाहुंदी हां। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि टेस्टमनी आई है ते बनी नहीं रहती, गवाही बनी नहीं रहती। क्यों गवाही बनी नहीं रहती? एक काम होया, हिल कोई, हां जी चंगा हो गया बंदा, कुछ महीनिया साल बाद देखते हो प्रॉब्लम फिर बैक आ जाती है, वो समस्या फिर आ जाती है। वो क्यों आती है? उसका मेन कारण कौन है? प्रभु च कमी है जां हड्डी च कमी है? अज असीं वचन द्वारा जानना। हालेलुया। यूहन्ना दी जी उसका 11 पढ़ांगे, 11:41। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ सारे बच्चे पै गए, किसी ने हिलजुल नहीं करनी, फोकस रखना वचन दे वाले, मेरे वाल वेखना मुख नहीं होना है, प्रभु वाल वेखना सब कुछ होना, वचन वाल कान ध्यान लगाओ। प्रार्थना कर दी थोड़े सारे दे लई कि परमेश्वर इन्हें वचन सुनने वाले कान खुल जान, वचन ग्रहण करने वाला मन खुल जे, वचन समझने वाली समझ खुल जे, प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य सामर्थ्य नाम दे विच आमेन। पढ़ते हैं, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने मेरी सुन ली, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। इतने प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने तो पहला प्रार्थना करते हैं प्रभु के अगे। प्रभु ने लाजर को जिंदा क्यों करना सी? वो तो मर गया था सी, रहन दे मरिया नु, जड़ा हुण मर ही गया उन्हें हुण जिंदा करन दा की फायदा? इहदे विच वड्डा मकसद सी, वड्डी गवाही छिपी हुई सी इहदे विच। गवाही कैडी सी? कि प्रभु यीशु मसीह फरीसियां संदूकियां नूं दसना चाहुंदा सी, अपने आप नूं प्रकट करना चाहुंदा सी और दसना चाहुंदा कि जिन्ने लोग उन्हें पुकारदे ने, जिन्ने लोग उहदी दुहाई दिंदे ने, परमेश्वर उहनां दी सुणदा। हालेलुया। इत्थे मार्था मरियम रोंदियां ने, अपने भरा दे नहीं, फिर भी भरोसा परमेश्वर ते है, कोई गल नहीं इत्थे मर गया, स्वर्ग दे विच मेरा भरा जी उठेगा। हालेलुया। इह उहदा विश्वास सी, उहदा फेथ सी, उसे फेथ ने प्रभु यीशु मसीह नूं भेजिया दोबारा उस नगर दे विच, और प्रभु यीशु मसीह आए और अपनियां जिहड़ियां जिहड़ियां दासियां सी उहनां दा ओनर करदे होए कि उह मैनूं पुकार रहियां ने, मैं जावां, मैं उहदे भरा नूं चंगा करां, और दूसरा कि फरीसियां संदूकियां नूं दसण दे लई कि मैं किहदे वल्लों भेजिया गया। हालेलुया। इत्थे इक गवाही बन गई जदों लाजर जिंदा हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ लाजर बाहर आ जा, ते लाजर बाहर आ गया, एक ही बनया गवाही बन गई, सारे लोगों ने उस नगर के लोगों को पता लग गया कि कोई है, कोई आएगा जिहड़ा जिंदा करदा मुर्दियां नूं, मुर्दियां नूं जिंदा कर दिंदा। गवाही बन गई, लाजर दे घर आना जाना हो गया कि लाजर जिंदा हो गया, भई 4 दिन दा मुर्दा जिंदा हो गया। मार्था मरियम दे कोल लोकी आन लगे कि लाजर जिंदा हो गया, किदां हो गया? मार्था मरियम गवाही देन लगियां, यीशु ने चंगा कर दिता, यीशु ने चंगा करता, इत्थे की हुई? पिता दी महिमा, एक गवाही बन गई। ऐदां तुहाडे जीवन च गवाहियां बनदियां ने, जदों तुसीं चर्च विच आउंदे हो, चाहे किसी भी चर्च विच आउंदे हो, तुहानूं गवाहियां मिलदियां ने। तुसीं इदां तां नहीं किसी चर्च जांदे, किसी आस करके जांदे हो, जे तुहानूं आस ओह पूरी हुंदी है तुसीं ते बने रहिंदे हो। गवाही ते बन गई, महिमा ते प्रभु दी हो गई, तुसीं लै लिया गवाही नूं। की हुंदा कि फिर कुछ समय पा के ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੇੜ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇਖੇ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ
जानांगे। अगे असीं पढ़ांगे 12 ओदी 9 दे विच। तब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वह ना केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुए से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का पर्यंत्र रचा, मतलब उन्होंने साजिश रची, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। जो गवाही भरी लाजर दी, लाजर जिंदा हो गया, इतिहास मुर्दा जिंदा हो गया, हमारे गुरदास मुझे धूमा पै जानिया कि पुराने बंदे जिदा चमत्कार हो गया जी। चलिए वेखी आइए चक रही दे कोई वड्डा चमत्कार हो गया, चलो फलाने पिंड देख के वड्डा काम हो गया, ओदे च की हो रहा? प्रभु की महिमा। जो कोई वेखन आएगा तो उन्हें महिमा ही करनी प्रभु की, उन्हें प्रभु के नाम ही ध्यान आना। यह गल शैतान चंगी नहीं लगती, उन्हें नहीं चंगा लगता कि तुम्हारी गवाही बनी रहे, तुसी होर प्रभु दे विच मजबूत हो। उन्हें तुहाडी खुशियां चंगियां नहीं लगदियां, उन्हें तुहाडे काम विच रहना उन्हें चंगा लगता। शैतान का की काम है? शैतान का काम है तुहानू दुख दर्द कलेश मुसीबतां फाइनैशियली ट्रबल घर विच लड़ाइयां झगड़े नशे व्यभिचार, मतलब दुखी करना एक इंसान। हुण दुखी इंसान उन्हें क्यों करना? क्योंकि इंसान परमेश्वर ने बनाया और इसे करके वो नहीं चाहता कि जब परमेश्वर द्वारा बनाया गया इंसान सुखी रह सके। एड्डी वड्डी प्लानिंग है ना तुहाडे उत्ते, तुसी अजे मैं तुहानू पूरी तरह नहीं दस सकदी क्योंकि ये डिमोनिक स्पिरिट दीआं गल्लां बहुत घट पास्टर इसे टॉप उत्ते गल करदे ने कि चर्च कितें डर ना जाए जी, दुष्ट आत्मा इदां दी हुंदीआं। पर असीं तुहानू ओह चर्च नहीं बनाना चाहुंदे, असीं तुहानू ओह चर्च बनाना चाहुंदे कि तुसी खुद, अगर तुहानू लगे कि मेरे ते हमला हो रिहा, खुद यीशु दे नाम दी फायर सुटो ते आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। आमेन। इत्थे वड्डी गवाही बन गई कि लाजर जिंदा हो गया, मार्था मरियम दा भरा जिंदा हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, लोग आ रहे ने बधाइयां दे रहे ने, तुहाडा भरा जिंदा हो गया। और जदों गवाहियां दसदियां ने कि मेरे यीशु ने चंगा कर दिता, मेरे यीशु ने चंगा कर दिता, ते यीशु दे नाम दी और पिता दी महिमा हो रही है। शैतान नूं नहीं अच्छा लग रहा कि पिता दी महिमा होई जा रही है और नूं नहीं अच्छा लग रहा। शैतान की करता फरीसिया के संदूखियां दे विच आंदा। फरीसी संदूखी कौन सी? ये ओही लोग सी जो परमेश्वर दी पुराने नियम दी गल्लां नूं मनदे सी। इब्राहिम इसहाक याकूब दे समय दे जो मूसा ने जो व्यवस्था लिखी सी ये उन्हों मनन वाले लोग सी, मतलब ये भी ही परमेश्वर दे लोग सी, ये भी गुरु सी, परमेश्वर दा सुसमाचार देने वाले सी, ये भी ओही लोग सी, ये अन्य जाति दे लोग नहीं सी, ये भी परमेश्वर नूं मनन वाले लोग सी। पर इत्थे असीं की देखदे आं? परमेश्वर नूं मनन वाला परमेश्वर दे ही मनन वालिआं दे खिलाफ हो गया और योजना बना रहे प्रभु यीशु मसीह नूं फड़न दी, क्योंकि जिन्ने भी फरीसी सी सदूकी सी ओह चिन्ह चमत्कार नूं देख के प्रभु यीशु मसीह दे पिछे लग जांदे सी। बड़ा सोहणा किसे दास ने सानूं शब्द बोलिआ इक दिन पिछले दिनां विच, कहिंदा चमत्कार नूं ही नमस्कार हुंदा। सच्ची गल है, इह भी वचन दस रिहा कि जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया तो जिन्ने भी फरीसी संदूकी सी प्रभु यीशु मसीह के पिछे लग गए और यह गल उन्होंने चंगी नहीं लगती। फरीसी ने संदूकियों ने चंगी नहीं लगती सी, वह कहते सी यह लोग मेरे को ही आन, पर उन्होंने तो चमत्कार चाहिए सी क्योंकि हर एक कलीसिया चाहती है, हर एक जन चाहे मैं छड़ाया जावा, मैं आजाद किया जाए, मेरे भी बंधन टुटन। पर फरीसी संदूकियों नहीं अच्छा लगता सी कि यह इदा कर। अज तुहाडे जीवन च अगर गवाही बनी नहीं रहिंदी ते अजे भी कोई ऐसी स्पिरिट हैगी है जिहड़ी तुहाडी गवाही नूं तोड़न दा काम कर रही है, तुहाडे विश्वास नूं तोड़न दा काम कर रही है। गवाहियां क्यों बनियां नहीं रहिंदियां? क्योंकि तुहाडा विश्वास दा लैवल डाउन हो गया, तुहाडा विश्वास दा लैवल घट हो गया। तुसीं कहा कोई नहीं, ओही परमेशर दित्ती सी गवाही, पर गवाही नूं मेंटेन करना पैंदा, उन्हूं बना के रखना पैंदा। गवाही तां तुहानूं मिल गई, बस इनफ, बहुत हो गया, इन्ना ही कुछ नहीं, उस गवाही नूं बनाउणा पैंदा सदा दी लाइफ टाइम लई, उस गवाही नूं बना के रखना पैंदा। अगर किसी ब्रदर दे नशे छुट्टे आ, एक बार छुट गया लग रहा कि हां नशे छुट चुके आ, की करोगे दोबारा अटैक नहीं होएगा?
होएगा कि बाइबल कहती है कि अपना घर देखने वास्ते आंदी है, देखती कि मेरा घर किदा का पेदा, अगर घर गंदा पिया वा लग रहा कि ए इदा का कुछ हो रहा, वो बढ़ जाती फिर दोबारा फिर सत लेके बढ़ती है, एक नहीं आती सत लेके आती है। पर अगर वो इंसान लगता कि मैं नशा छड़ चुकी हूं, मैं व्यभिचार तो बाहर आ चुकिया, और उस गवाही को मेंटेन करो, बना के रखो कि प्रार्थना में रह के पवित्र जीवन जी के संगति करनी नहीं छटनी, ताकि थोड़ी गवाही बनी रहे, ताड़ी ते कोई अटैक वैरी दा ना हो पाए। अटैक क्यों होंगे ने जो तुम आत्मा के वीक हो जाते हो, तुम लगता प्रार्थना तो करवा ही लिया बस, संडे चर्च चाहिए फिर की है, प्रभु को पता असं बड़े बिजी रहने, प्रभु तू दिलों दिया जानने वाला परमेश्वर है, हाँ वो दिलों दिया जानता, पर थोड़ी भी वह जानना चाहता वा कि तुम की कहते हो। गवाही बना के रखना, अज कलीसिया गवाही बना के नहीं रखती, फिर एक पास्टर का दोस्त कढ़िया जाता, पास्टर जी वह ना फिर दुष्ट आत्मा मैं तंग कर बह गई, इस पास्टर का की कसूर बे, पास्टर ने तो रिहा करता आजाद करता यीशु नाम च, कसूर पास्टर का नहीं, कसूर हूं तुहाड़ा, क्योंकि तुसी उन्हों आन दा मौका दिता अपने अंदर दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा इन्नी का जिन्ना वीक पॉइंट लग गया, वीक पॉइंट लगा उन्हें अटैक किया कि चलो कब्जा कर दिया, और इस बार कल्ली कब्जा करने वास्ते नहीं आई, अपनी फौज लैके नाल आई कब्जा करने लई, क्योंकि तुसी वीक सी। तो वीक इंसान कदों हुंदा, जो प्रभु तो दूर हुंदा, बस प्रभु नूं टेची समझ लैंदा कि प्रभु तो एवें ही आ, मैं 5 मिनट की प्रार्थना करती तो सही हाँ, सवेरे करती हाँ, शामी करती हाँ, धन्यवाद 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 ना गल नहीं बननी, धन्यवाद ना गल नहीं बननी।